प्रॉब्लम नंबर 25 देखिए, प्रॉब्लम नंबर 25 में दिया हुआ है ए कॉइल विद एन एवरेज डायमीटर, डायमीटर आपको 0.01 मीटर दी गई है, डायमीटर 0.02 मीटर, तो इससे रेडियस आ जाएगा 0.01 मीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर दे रखा है और 6000 टेस्ला। इफ द इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ जो है आपके पास 11 वोल्ट है। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज 1000 टेस्ला, यानी कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है वो 6000 टेस्ला से आपके पास कितना हो गया है, ये इनिशियल और ये फाइनल 1000 हो गया है। कितने टाइम के अंदर, टाइम आपको दे रहा है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर इतना हो जाता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, और इंड्यूस ईएमएफ आपको दिया हुआ है 11 वोल्ट। डेल्टा बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5000 टेस्ला, ठीक है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस 5000। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है E इज इक्वल टू एन डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी, 5 को BA लिखेंगे, A तो कांस्टेंट होगा तो N है डेल्टा B बाय डेल्टा टी, क्योंकि यहां जो चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है, ठीक है, एरिया चेंज नहीं होगा ये, तो EN एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर डेल्टा B बाय डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये 11 दिया हुआ है, एन हमें फाइंड करना है, पाई आपके पास आएगा 22/7, रेडियस आपको दे रखी है 0.01 स्क्वायर इनटू डेल्टा बी जो दिया हुआ है वो 5000, ये 5000 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी जो है आपके पास वो है 4 सेकेंड, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एन चाहिए, ये 11 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 टाइम, ठीक है, ये 2 से आपके पास हो जाएगा 2500। अब हमें निकालना एन है, तो एन इक्वल टू ये 7 ऊपर चला जाएगा अपॉन ये नीचे आ जाएंगे 2500 इंटू 0.01 इंटू 0.01, पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, ठीक है, 0000 कैंसिल, ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, ये 25 से 4 टाइम, तो n इक्वल टू 4 इंटू 7, 28, तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स, 28 टर्न्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर A आंसर।